मेरा आपसे ये प्रश्न है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, उनके चरित्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे बड़ी बात, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? आज हम एक क्षण के लिए भगवान श्री राम को भूल जाते हैं, एक क्षण के लिए भूल जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज जो हम लोगों के घरों में द्वंद है, कलेश है, वो किसके कारण है? अमर्यादा के कारण। हमारे घरों में मर्यादा नहीं है, वो पिताजी अपनी मर्यादा में नहीं है, माताजी अपनी मर्यादा में नहीं है, बेटा जी अपनी मर्यादा में नहीं है, बहू जी अपनी मर्यादा में नहीं है, बच्चे अपनी मर्यादा में नहीं है, सेवक घर में है लेकिन वो अपनी मर्यादा में नहीं है। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं और मनमानी करने के कारण ही हमारे घर में क्लेश है, दरिद्रता है, परेशानियां हैं, घर टूट रहे हैं। हाँ या ना? किस लिए? मनमानी कर रहे हैं। जैसे आज हमारा मन है, क्या भगवान श्री राम का मन नहीं था? नहीं था। जैसे हम लोग शादी से पहले भी तमाम फ्रेंड्स बना के घूमते फिरते रहते हैं, भगवान भी गए थे गुरुकुलम, भगवान तो राजकुमार थे, भगवान की तो 500 हो सकती थी, 50,000 भी हो सकती थी, इतने सुंदर थे, पूरी दुनिया उन पे फिदा थी। ऐसा कौन नहीं था जो राम पे फिदा नहीं था? यही तो मर्यादा है कि सीता के अलावा उन्होंने किसी की तरफ देखा ही नहीं, ये मर्यादा है। वरदान किसने मांगा? केकई ने। केकई कौन है? स्टेप मदर। स्टेप मदर ने क्या वरदान मांगा? राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो जाए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये वरण किसने मांगा है? केकई ने। वो स्टेप मदर है, सौतेली माँ है। और सौतेली माँ अगर वनवास मांग रही है और राम की मर्यादा देखो, मेरी माँ का वचन, मेरे पिता का वचन झूठा ना हो जाए, मिथ्या ना हो जाए, इसके लिए राम ने निर्णय किया कि मुझे बन जाना है। आज की संतान क्या निर्णय करेगी इस विषय पे? कि किसी माँ बाप, सगे माँ बाप ही कहें कि तुम थोड़ा सा घर से निकलो और जहाँ देहरादून वगैरह इधर पहाड़ों में जंगलों में थोड़े 1-1.5 महीने तपस्या करके आओ, जंगल में रहना। बच्चे मानेंगे? रखो, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें मजे करने हैं, उन्हें तपस्या नहीं करनी है। सी, उन्हें मजे करने हैं। और मजे कब करते हैं? अमर्यादा में रहकर। मर्यादा में रहकर आप मजे नहीं कर सकते, क्योंकि हर मजा की सजा है। जो जो मजे आप ले रहे हैं उसकी हर की सजा है, लेकिन मर्यादा में रहकर जो आप कर्म करते हैं उसकी कोई सजा नहीं। उससे आपका नाम, उससे यश फैलता है। भगवान श्री राम राजा हैं लेकिन प्रजा पर व्यर्थ का टैक्स नहीं लगाते हैं, ये मर्यादा है भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम जब सुपर्णखा आती है, सीता माँ के साथ में बैठे हैं राम जी, सीता माँ के साथ में बैठे हैं, और सुपर्णखा कहती है कि मुझसे आप विवाह कर लीजिए। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विद रचा विचारी, ताते अवलग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम्हें देखकर मेरा मन करता है कि मैं तुमसे विवाह कर लूं। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, सुपर्णखा की तरफ देखा ही नहीं, ये राम की मर्यादा है। अपनी पत्नी को सीतई चितई कही प्रभु बाता, कोई तुमसे बात करे और तुम उसका आंसर ना दो, ये मर्यादा नहीं है। देखो कहां पे मर्यादा का पालन भगवान श्री राम करते, बड़े ध्यान से सुनना। आपसे कोई प्रश्न, आपसे कोई बात करे और आप उसका जवाब ना दो तो आप मर्यादा में हो। क्या कहेगा? अभिमानी है, जवाब नहीं देता। और वो भी स्त्री कुछ पूछे और जवाब ना दे तो अब जवाब देना ये मर्यादा है, जवाब भी देना है। लेकिन एक पत्नी को हम ब्याहे हैं, सामने वाली को हम जानते नहीं है, और सामने वाली जो है सीधे नो एंट्री वाले ट्रैक पे है, जो कि उचित नहीं है, तो फिर उसको क्यों देखूं? जवाब तो देना मर्यादा है, पर उसे न देखना भी मर्यादा है। तो देखा किसको? सीता को, अपनी पत्नी, अपनी भार्या, ये राम की मर्यादा है। और जवाब दिया सुपर्णखा को। अर्थात यहां युवाओं को एक शिक्षा मिलती है, अकारण ही बेवजह हर किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ये मर्यादा के खिलाफ है। आप किसी से भी हैंडशेक कर लेते हो, ये मर्यादा के खिलाफ है, आपके चरित्र के खिलाफ है, आपके करेक्टर के खिलाफ है।
कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है जवाब दो, लेकिन नजरें झुका के। सीता जी नहीं होती तो राम जी नजरें नीचे रखते पृथ्वी पे। ये राम की मर्यादा है। राम की मर्यादा, एक और का उदाहरण देता हूं, बहुत ब्यूटीफुल उदाहरण। सीता जी की रक्षा करते हुए जटायु अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। रक्षा किसकी की? सीता माँ के लिए प्राण त्यागे उन्होंने। राम जी की मर्यादा क्या है? जिन राम जी ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया, उन राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। यह है राम की मर्यादा। अपने पिता के समान उन्हें आदर दिया, यह है राम की मर्यादा। अपनी जब राम लौट के आए 14 वर्ष के वनवास से, तो कौशल्या माँ के भवन में नहीं गए राम। प्रभु जाना के कई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। देखा मेरी माँ संकोच में है, इसलिए सबसे पहले अपनी केकई माँ के पास में गए। ये राम की मर्यादा है। अपने भाई को हृदय से लगा के रखा, ये राम की मर्यादा है। अपने भाई के लिए अयोध्या जैसा राज्य त्याग दिया, ये राम की मर्यादा है। अपने गुरुदेव की आज्ञा से धनुष तोड़ दिया, और उससे पहले नहीं तो खड़े ही नहीं हुए, ये राम की मर्यादा है। यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम अपने महलों के सुखों का त्याग करके चले गए, क्योंकि एक संत यज्ञ पूर्ण करना चाहता है, उसके लिए राम अपने महलों के सुख त्यागते हैं, ये राम की मर्यादा है। राम की मर्यादा का हम जितना वर्णन करेंगे, हमेशा राम धर्म के पथ पर चलकर उन्होंने पूरे मनुष्य जाति को जो एक प्रेरणा दी है, ये राम की मर्यादा ही है। और आज तक, तब से लेके आज तक, राम जी करुणा के सागर हैं, राम दया के सागर हैं, राम बल के सागर हैं, राम पौरुष के सागर हैं। ऐसा क्या है जो राम में नहीं है? और इन सब देखो, कमजोर आदमी मर्यादा में रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रांग आदमी मर्यादा में रहे, बलवान आदमी मर्यादा में रहे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और भगवान से बड़ा बलवान कोई नहीं। तो ऐसी मर्यादा, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आज के युवा बच्चों को उन भगवान श्री राम के उस मर्यादा पुरुषोत्तम करैक्टर से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे।